बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हमने 4.4 तक जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हमने 4.5 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए अगेन वही पॉलिसी, आप अपनी बुक्स खोलें, बुक से ज़रा हम रीड करते हैं पहले स्टेटमेंट को और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से एक बात हमें क्या पता लग रही है, थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कहता है, द हॉरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजोंटल कंपोनेंट की बात की है तो आपको पता है हॉरिजोंटल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कितना उसने हमें कहा है 20 न्यूटन। फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। फाइंड इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है फाइंड द फोर्स। हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स एफ फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ठीक है। थीटा की भी वैल्यू है आपके पास, एफ ऑफ एक्स की भी है। एफ जो है हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी है आपके पास और थीटा की भी वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 20। एफ जो है वो हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा। कॉस थीटा क्या है आपके पास, 30 डिग्री। कैलकुलेटर से पहले आप कॉस 30 जो है वो निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.866, और ये 20 आपके पास एज इट इज। फाइंड हमने क्या करना है, एफ फाइंड करना है। यहाँ पे ये चीज इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाय 0.866 = F। डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो F जो है वो हमारे पास क्या आता है, 23.1। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यही हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल 4.6 को डिस्कस करते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस आर। यानी कि रेडियस हमें बताया है कार के स्टेयरिंग का, आर। आपको पता रेडियस को हम आर से शो करते हैं, जो कि क्या है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो 16 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0.16 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करनी है, टॉर्क फाइंड करना है और फोर्स उसने हमें क्या दी है, 50 न्यूटन। अच्छा, अब कार के स्टीयरिंग का हमें रेडियस दे दिए जबकि हमें टोटल लेंथ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.32 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया है, एल आ गया है, ठीक है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स एफ हमें गिवन दी हुई है, वो भी हम लिख लेते हैं, जो कितनी है, 50 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड जो है वो क्या करना है, इसमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ठीक है। एफ जो है आपके पास कितना है, 50, और L जो है वो हमने भी फाइंड किया, जो कि क्या था, 0.32। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। टॉर्क का यूनिट हमारे पास क्या बनता है, न्यूटन मीटर। यही हमने इस न्यूमेरिकल में टॉर्क फाइंड करना था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल जो है 4.7 उसको डिस्कस करते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर है हमारे पास, ठीक है, वो क्या कहता है, वो दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ जो है वो क्या की हुई है, हैंग की हुई है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर, अब इसके अंदर जो है वो टेंशन T1 और T2 टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। अब वो क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड करना है, इसमें इस पिक्चर का वेट फाइंड करना है। तो इस पिक्चर का जो वेट है वो इसकी टेंशन के जो है वो दोनों के इक्वल आएगा। इसकी टेंशन की वजह से ही पिक्चर जो है वो आपको स्टेबल कंडीशन में, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें टोटल टेंशन जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो T1 टेंशन जो है वो हमें क्या दी हुई है, 3.8 न्यूटन, ठीक है। टेंशन भी आपको पता है फोर्स ही होती है, ठीक है। और T2 जो है वो भी क्या है, 4.4
न्यूटन, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करनी है, टोटल टेंशन, इन दोनों टेंशन की वजह से हमारा फ्रेम है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल टेंशन, जिसको हम क्या नेम देंगे, टी का नेम देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू, वैल्यू क्या है हमारे पास, टी वन की 3.8 और टी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4.4, दोनों को एड अप करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.2 न्यूटन, यही हमारा आंसर है, यही इसी टोटल टेंशन की वजह से हमारा जो वेट है फ्रेम के वेट की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपने ये वाले न्यूमेरिकल्स जो आज हमने इस लेक्चर में किए हैं, ये आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाने हैं, ठीक है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वो आपने दोबारा डिस्कस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जितने हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।